एमपी की राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक बरकरार। एक बार फिर कुत्ते के काटने से गई मासूम बच्चे की जान। 24 दिन में कुत्तों के काटने के 1000 से भी ज्यादा मामले। दवाइयां गायब, महापौर चुप, मुख्यमंत्री भी खामोश। आखिर कौन देगा मासूमों की मौत का हिसाब? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुत्तों के काटने की वजह से भोपाल में मंगलवार को एक और मासूम की जान चली गई। इससे पहले 10 जनवरी को कुत्तों के नोचने से एक 7 महीने के मासूम बच्चे की जान गई थी। उस वक्त प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि भोपाल से कुत्तों का आतंक खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा, लेकिन प्रशासन दावा ही करता रह गया और कुत्तों ने एक और मासूम बच्चे को मार डाला। हैरानी की बात यह भी है कि बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का डोज भी दिया गया था, फिर भी बच्चा रेबीज की वजह से मर गया। कमाल की बात यह है कि भोपाल में रोजाना आवारा कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, मासूम बच्चे बेमौत मर रहे हैं और शहर की महापौर मालती राय सिर्फ समीक्षा करने की ही बातें कर रही हैं। सुनिए। क्योंकि भोपाल में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग को लेकर तहलका मचा हुआ है, उसी संबंध में जिस तरह से समीक्षा होती है, आज हमने एडीसी कमिश्नर एमआईसी मेंबर और अधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा की है, समीक्षा की है और हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया है कि कितना पर डे वो नसबंदी करवाना ही नगर निगम का काम रहता है, वो डॉगों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर महापौर मैडम इन सब के लिए भोपाल की जनता और पशु प्रेमियों को ही जिम्मेदार ठहराने लगी। देखिए, ये अभी हमने ये मंगवाए हैं, ये देखिए यंग लोग हैं और ये यंग लोग भोपाल को सहयोग करना चाहिए। किसी अनहोनियां जो हो रही है उसकी जगह अनहोनियां बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा भोपाल नगर निगम ने नियमानुसार अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और 7 लोगों पर हमने कानूनी कार्रवाई भी करवाई है और आगे भी एक टारगेट रखा है कि हम जितने जल्दी हो सका है इस समस्या का समाधान कर पाए। जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है क्योंकि व्यवस्थाएं ना काफी हैं और तो और दवाएं भी बेअसर हैं। असरदार होती तो 4 साल का मासूम सियोन आज जिंदा होता। सियोन को कुत्ते ने 6 जनवरी को काटा था। सियोन की माँ उसे तुरंत हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे रेबीज के इंजेक्शंस लगे और उसे घर भेज दिया गया। लेकिन 20 जनवरी को मासूम सियोन कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा। अब उसकी माँ उसे लेकर एम्स अस्पताल पहुंची, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज चला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। 10 जनवरी को जब 4 साल के सियोन को कुत्ते ने काटा था, तब उसका इलाज भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में करवाया गया था। हमीदिया भोपाल का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में माना जाता है। दुश्वार से दुश्वार रोगों के इलाज का दावा किया जाता है हमीदिया अस्पताल में। कुछ इसी उम्मीद में सियोन की माँ भी सियोन को लेकर हमीदिया पहुँची थी, लेकिन यहाँ पर सियोन को जो रेबीज का टीका लगाया गया वो पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हमीदिया में लगाए गए रेबीज के टीके पर भी खड़ा होता है और यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के प्रबंधन पर भी खड़ा होता है। कुछ ऐसा ही हाल नए भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल का भी है। यहाँ भी कुत्तों के शिकार 60 से 70 मरीज रोजाना पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अव्यवस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। घंटों लाइन में लगे रहने के बाद भी मरीज को निराश ही वापस लौटना पड़ता है। यहाँ भी कुत्ते के काटने पर या फिर गहरे घाव हो जाने पर लगाने वाला इंजेक्शन नहीं है। पता नहीं सरकार अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे नजरअंदाज कर रही है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि निजी अस्पताल में यही इंजेक्शन 30,000 रुपए देकर मिल रहा है, लेकिन निजी अस्पताल और महंगा इंजेक्शन दोनों ही आम इंसान की पहुंच से दूर है। इनको सर कुत्ते ने काट दिया था,
इंजेक्शन एक्चुअली बेसिक ट्रीटमेंट जो है हम लोग करवा के आ रहे हैं, तो हम लोगों ने तीन इंजेक्शन तो हम लोगों को लग गए, फिर एक इंजेक्शन जो है जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोगों को रेफ़र कर रहा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन की अभी शॉर्टेज है, एक्चुअली वो 300 ml ही, मैं पता करके आया था, 300 ml ही अवेलेबल है यहाँ पे अभी। और एक्चुअली हम वो इंजेक्शन जो है हम लोगों को 50 वो इंजेक्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, 1500 ml वेट के हिसाब से लगता है। भोपाल में इसी साल अब तक 1000 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाए हैं। दर्जनों परिवार कुत्ते के काटे जाने से परेशान हैं। बच्चे तो बच्चे, अब बड़ों को भी काटने से ये शिकारी कुत्ते खौफ नहीं खाते हैं। कुत्ते नीड़बड़ में चौराहे पे परेशान करते हैं, शाम के निकलते हुए गिर गया था ना, ये अभी काटा है। कहाँ काटा आपको? इधर है सर, ये देखिए आप। अच्छा, एक अंकल आए, उन्हें डंडा लेके भगाया। अच्छा जी जी, ये गिर गया साहब। ये कैसे गाड़ी कैसे टूटी आपकी? कुत्ते साहब झूमे मेरे पास, कुत्ते झूमे साहब। तो ये कब का रात का मामला था? परसों रात का 8 बजे करीब। अच्छा, ये अभी लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये नगर निगम में इतने फोन लगाते, टोल टैक्स नंबर उठाते नहीं है। अच्छा, नगर निगम ध्यान नहीं देते साहब कोई चीज़ पर। रात में बच्चे निकलते वो परेशान करते हैं, कई बच्चे कई गिर रहे हैं। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह मिल जाता है, इलाज मिलता है? सर मैंने तो नहीं झड़वाया था, ये देसी जो देसी झाड़। लेकिन अभी जो घटना है उससे क्या लगता है आपको, कुत्तों पे कंप्लेंट? बहुत सारे कुत्ते, बहुत आवारा कुत्ते बहुत परेशान करते हैं लोगों को रात। अच्छा। में तो ज्यादा ही परेशान करते हैं, निकले नहीं देते। 8-9 बज जाए तो निकलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को ज्यादा झूमते, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, स्कूल जा रहा है तो उसके भी करते हैं। अच्छा, ये महान भोपाल नगर निगम के बारे में क्या कहना है आपका? साहब उनको ध्यान देना चाहिए, कुत्तों को पकड़ना चाहिए, उनको ले जाके छोड़ना चाहिए, उनको इंजेक्शन लगाना चाहिए। बहुत ज्यादा कुत्ते साहब, बहुत ज्यादा। श्रेष्ठ भारत न्यूज ने 15 दिन पहले भी खबर चलाई थी जिसमें नगर निगम ने दावा किया था कि भोपाल वासियों को कुत्तों के कहर से जल्द छुटकारा मिलेगा, लेकिन नगर निगम के तमाम दावे हवा हवाई साबित हुए। आलम यह है कि भोपाल के लोग कुत्तों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।